दोस्तों अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त हो गए। आज आपको 6 इंडोर प्लांट दिखा रहा हूँ, तो जो आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, जो आपकी डेकोरेशन के साथ साथ आपकी वायु लेवल भी शुद्ध करेंगे और आपके मेंटलिटी को भी स्ट्रोंग करेंगे। नंबर 1 पर है स्नेक प्लांट। यह प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ये रूट मेथड से इसमें बहुत सारे स्नेक प्लांट बेबी प्लांट निकलते हैं, जिसको आप एक बार लाने के बाद कितने भी पोट प्लांट बना सकते हो और दूसरे को गिफ्ट में भी दे सकते हो। और बहुत कम कॉस्ट का, को लो केयर का, लो रोशनी में भी यह बहुत अच्छा चलता है। नंबर 2 पे है एल्गोनिमा स्नो प्लांट। ये देखो इसकी पत्ती आपको हल्की बर्फ जैसी यानी वाइट हरे के बीच में वाइट रंग बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये भी आप रूट मेथड से अलग करके अपने एक पौधे से काफी पौधे बना सकते हो, यानी एक प्लांट से ये सारे प्लांट बहुत इजी केयर के होंगे। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, लो केयर है। सिर्फ एक विशेष बात जो इंडोर प्लांट में रखनी है आपने, बहुत कम वाटरिंग करनी है, यानी जितनी वाटर की जरूरत है उतनी ही करें। नंबर 3 पर ये देखो एल्गोनिमा एप्पल यानी रेड। तो इसका भी बहुत सुंदर फ्लावर है, ये अपने कलर का, ये देखो वो स्नो वाइट यानी वाइट कलर, ये अपना पत्तियों के बीच में रेड शेड में आता है। देखो कितना सुंदर है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये रूट मैटर देखो, नीचे से 2 पौधे और मेरे निकल गए, जिसको मैं बारिश के सीजन में रिपोर्ट कर लूंगा। और यह आपको पौधा कैसा लगा कमेंट में भी जरूर बताना, या आपको इनमें सबसे बढ़िया कौन सा पौधा लगा वो कमेंट में जरूर बताना। ये देखो फ्लावर पीस लिली का फ्लावर वाला पौधा भी आप अपने घर के अंदर लगा सकते हो। ये देखो इसका सेकंड पौधा मैं पहले रिपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये 2-3 महीने के अंदर ही, महीने के अंदर ही बहुत सुंदर फ्लावर में आ जाएंगे। और ये बहुत हरा भरा प्लांट रहता है और ये भी आप अपने घर के अंदर लगाएं। ये सभी पौधे आपकी डेकोरेशन तो बताएंगे और सुंदरता को भी 4 चांद लगाएंगे, साथ में ऑक्सीजन देंगे और वातावरण को शुद्ध और पॉजिटिव करेंगे। तो नंबर 5 पे आ गया ये कम्पैक्ट प्लांट। कम्पैक्ट जैसे ही है कि ये पौधा बिल्कुल कम्पैक्ट है, इसमें फ्लावर आपको ज़्यादा नहीं लगेंगे, बिल्कुल कम्पैक्ट फ्लावर। और ये भी बहुत सुंदर पौधा होता है और लो केयर का। और ये देखो हरा भरा, इतनी गर्मी के बाद भी कितना हरा भरा पौधा है। इसको इंडोर आउटडोर दोनों जगह आप लगा सकते हो, लेकिन आउटडोर में इसको धूप से बचा के रखना होगा, यानी फुल सन लाइट में मत रखना, क्योंकि इंडोर प्लांट ज़्यादा धूप सहन नहीं कर सकते। तो ये सारे पौधे कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और आपको सबसे बढ़िया कौन सा प्लांट लगा उसको कमेंट में ये 5 बता चुका हूँ मैं। अब दिखा रहा हूँ आपको नंबर 6 वाला प्लांट, जो भी बहुत सुंदर और भव्य है, और वो भी अपने कलर की वजह से, और ये पौधे आपको अच्छे लगे होंगे। तो नंबर 6 पे आ गया ये रबड़ प्लांट। ये भी अपने पत्तों के लिए बहुत खूबसूरत होता, और ये छठा प्लांट की भी आपने ज़्यादा केयर नहीं करनी, लेकिन छठा प्लांट रूट मेथड से नहीं, ये कटिंग से आपको ग्रो करना पड़ेगा। यानी जो 5 नंबर का कम्पैक्ट प्लांट और ये रबड़ प्लांट, ये कटिंग से आप एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारे प्लांट आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप लेना चाहते हो, थोड़े कॉस्टली जरूर है, लेकिन एक बार ले आए तो आपके परमानेंट घर में रहेंगे और हरा भरा, और एक पॉट से अनेक पौधे आप तैयार कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गार्डनिंग।